हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो जैसा कि आपने पिछली वीडियो देखी होगी मेरे अल्टो 800 की एक डिटेल रिव्यू एलेक्साई वेरिएंट पर, अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो लिंक आपको आई बटन पर मिल रही होगी, जाकर जरूर देख लेना। सो वन ऑफ द बेस्ट सेलिंग कार है यार इंडिया की, तो मैंने सोचा एक ड्राइव रिव्यू भी इस पर बनता है। तो आज एक डिटेल ड्राइविंग एक्सपीरियंस शेयर मैं करने वाला हूँ कि 800 सीसी की कार है, पावर लैक तो नहीं होता, चलने में कैसी है, और ऑल सारी चीज़ें डिस्कस करने वाला हूँ। सो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, कुछ भी डाउट हो तो बेझिझक कमेंट में पूछ लेना। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट स्टार्ट द वीडियो। ऑल राइट गाइस, सबसे पहले कार की कीज बता देता हूँ। इसमें आपको बेसिक कीज मिलती है। सो चलते हैं आज इसकी एक ड्राइव पर, सारा एक्सपीरियंस आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। गाड़ी स्टार्ट हो चुकी है और मुझे नहीं लगता गाइस आपको केबिन में कुछ भी नॉइस आ रही होगी अभी कार की, अगर मैं थोड़ा एक्सलरेट भी करके दिखाऊँ। हालांकि इसमें RPM मीटर नहीं मिलता है आपको LXi वेरियंट में। AC अभी ऑन है, गाड़ी की कूलिंग तो काफ़ी बढ़िया, बिकॉज थोड़ी देर में ही गाड़ी कूल हो जाएगी। सो चलते हैं। सो गाइस, सबसे पहले आप में से कोई भी अल्टो लेने का प्लान कर रहा है, इस वीडियो को देखने आया है, तो सीट बेल्ट लगा लेते हैं यार। इसमें BS6 नॉर्म्स के अकॉर्डिंग आपको सारी गाड़ी में सीट बेल्ट रिमाइंडर मिल जाते हैं। अल्टो की बात करें तो सबसे पहले देखो यार, पैची रोड पर मैं इसलिए लेके आऊँ कि यहीं से स्टार्ट करते हैं। 165 mm का ग्राउंड क्लियरेंस है गाड़ी का, एंड देख सकते हो आप पैची रोड्स पर बहुत अच्छा रिस्पॉन्ड कर रही है। मतलब जो भी ऐसे बम्स है उस पर टकराने का कोई भी इशू नहीं आने वाला है। एंड अल्ट्रो जो भी लेने का प्लान कर रहा है मैं उसको, एक दो चीज़ें तो सबसे पहले यही बताना चाहूँगा कि देखो, वन ऑफ द बेस्ट सेलिंग कार है इंडिया की। इस बजट में देखा जाए ना तो आपको दो तीन ही ऑप्शंस मिलते हैं देखने को। एक तो रेनॉल्ट क्विड मिल जाएगा जो कि थोड़ी हाई प्राइस्ड है, एंड मैं रेनॉल्ट की गाड़ी तो आप में से किसी को भी सजेस्ट नहीं करूँगा। तो अब बात करते हैं इसकी सेलिंग यूनिट्स की। तो इस ये पर मंथ सेल होती है अराउंड 20,000 के प्लस, उसी से आप इसके सेल का अंदाज़ा लगा सकते हो। सो गाड़ी को यहाँ से यू टर्न कर लेते हैं, बिकॉज अभी हम चलेंगे यहाँ से हाईवे पर। जो सिटिंग पोस्चर है गाइस बहुत ही बढ़िया है। आप में से अगर कोई 5'7" 5'8" तक है तो कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। जैसा कि मैंने रिव्यू वाली वीडियो में भी बताया था, अगर आप में से कोई 5'11" या 6' है तो थोड़ी दिक्कत आ सकती है, बिकॉज गाड़ी के जो हेड रूम एंड लेग रूम थोड़ा कम है। बट आप मारुति की गाड़ी दूसरी गाड़ी पर जा सकते हो, लाइक इसमें एस्प्रेसो या वैगनार पर जा सकते हो थोड़ा बजट बढ़ाकर। बट इसकी अगर ऑन रोड प्राइस की बात करें तो वो है इंदौर में अराउंड 4,40,000 रुपीज़, एक्स शोरूम में 3,86,000। तो इस बजट में वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन रहने वाली, जिसे भी एक बजट गाड़ी चाहिए, मेनली 5-सीटर, 5 लोगों की फैमिली है, कहीं भी नॉर्मल टूरिंग करनी है, सिटी कम्यूट करना है, तो वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन रहने वाला है। इंजन स्पेसिफिकेशंस की बात करें तो 800 सीसी मतलब अराउंड 796 सीसी का 3-सिलेंडर पेट्रोल इंजन मिलता है। मारुति के इंजन्स के बारे में मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज बहुत ही रिफाइंड इंजन है, एंड 47 BHP की पावर प्रोड्यूस करता है, एंड 69 मतलब अराउंड 70 Nm का टॉर्क। माइलेज की बात करें तो 22 कंपनी क्लेम करती है, 22-23 तो आराम से हर कोई निकाल लेता है। और इसी में आपको LXi में CNG का भी ऑप्शन मिल जाता है, कंपनी फिटेड मिलता है, एंड बाकी लोग आफ्टर मार्केट भी कराते हैं, तो वो आपकी चॉइस के ऊपर है। CNG के माइलेज की बात करें तो अराउंड 32 का इजीली निकाल देगी। एंड अब यहाँ से हाईवे भी आ रहा है तो सारी आपको चीज़ें मैं शेयर कर दूंगा इस गाड़ी के बारे में। हैंडल काफ़ी बढ़िया है इसका, जो स्टेयरिंग व्हील की बात करें ना, इतना कॉम्पैक्ट है जिससे चलाने में कोई भी दिक्कत नहीं आती। सिटिंग पोस्चर भी बहुत बढ़िया है, कंफर्टेबली मैं चला रहा हूँ इसे। इंटीरियर आप चेकआउट कर सकते हो, बहुत ही बढ़िया फिनिश में प्रोवाइड करा है, बहुत ही कॉम्पैक्ट है, ब्लैक एंड बेज कलर की थीम मिल जाती है। LXi वेरियंट में म्यूजिक सिस्टम नहीं मिलता, बट इसमें शोरूम से ही फिट करवाया है पायोनियर का टच स्क्रीन। टच स्क्रीन म्यूजिक सिस्टम के बाद इंटीरियर का लुक काफ़ी हद तक बढ़िया है। यही सस्पेंशन और इन सब की चीज़ें तो मैंने आपको बताई दी, अल्टो क्यों लेना चाहिए वो भी मैं आपको आगे शेयर करूँगा। हॉर्न इसमें आपको बेसिक ही प्रोवाइड करा है। सबसे पहले ORVM को सेट कर लेते हैं, बिकॉज एक दिक्कत ही है LXi वेरिएंट में कि आपको ये विंडो के बाहर हाथ डाल के ORVM को सेट करना पड़ेगा, बिकॉज इसमें ऑटोमेटिक एडजस्टमेंट नहीं मिलते, ये आपको टॉप वेरियंट में मिलेंगे। सो ड्राइविंग स्टेबिलिटी बहुत बढ़िया है,
एंड पावर की बात करें तो देखो यार, मैं लीनियर ही बोलूंगा बिकॉज ऑब्वियसली 800 सीसी की गाड़ी है, स्टार्टिंग 800 सीसी से होती है कार, तो मतलब ऐसा सिटी में कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। बट अगर आप हाईवे पर हो 5 सीटर के साथ, थोड़ा लगेज रखा हुआ है, तो घाट वाले सेक्शन में आपको थोड़ा पावर लैक महसूस हो सकता है। बट यार देखो, वन ऑफ द प्रूवन गाड़ी 800 सीसी में, बहुत ही बढ़िया पिकअप है, मुझे कोई भी दिक्कत नहीं आ रही है। अभी 60-70 चला रहे हैं हम, 60 चला रहा हूँ मैं, तो कोई भी दिक्कत नहीं आ रही है, केबिन में कोई नॉइस नहीं आता। यहीं से गाड़ी का यूटर्न ले लेते हैं। ब्रेकिंग इसमें फ्रंट में डिस्क ब्रेक मिलते हैं, रियर में ड्रम, तो ब्रेकिंग से भी रिलेटेड कोई भी दिक्कत नहीं है। सिक्स कलर चॉइसेस मिल जाती है आपको इस कार में। एंड यार देखो, जिसको अराउंड 4-4.5 लाख का बजट है तो वो ये गाड़ी ले सकता है यार, बिकॉज प्रूवन गाड़ी है। अल्टो क्यों लेना चाहिए? बिकॉज वन ऑफ द लोएस्ट मेंटेनेंस कार है। एंड अगर इसे आप 2-4 साल बाद 5 साल बाद कभी भी बेचोगे ना, तो बेस्ट रीसेलिंग मिलने वाली है। मारुति का जो सेकेंड हैंड मार्केट है ना, काफ़ी फैला हुआ है। कोई भी सेकेंड हैंड कार लेने जाता है ना, तो मारुति पे काफ़ी ट्रस्ट दिखाता है। एंड जहाँ तक की बिल्ड क्वालिटी की बात है, तो देखो यार, आपको इस बजट में तो और कौन सी कंपनी अच्छी कार प्रोवाइड नहीं कर रही है। क्विड रेनॉल्ड वगैरह की तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ। टियागो थोड़ी हाई प्राइस्ड हो जाती है, ह्यूंडई भी सेंट्रो ऑप्शन है थोड़े पैसे मिलाकर। बट अगर अल्टो की बात करें तो डेली सिटी कम्यूट में तो कोई बिल्ड क्वालिटी का सवाल नहीं उठता, और बहुत ही बढ़िया गाड़ी है। मेनली क्या है, इसमें आपको पिकअप अच्छा क्यों मिलता है, 800 सीसी की कार है एंड थोड़ी लाइट वेट है। लाइट वेट है ना, तो बहुत ईजिली पिकअप जनरेट कर लेती है। RPM मीटर तो इसमें है नहीं, बट हालांकि जैसे ही आप 3000-4000 RPM के ऊपर जाओगे तो थोड़ा केबिन में नॉइस आता है। हम हाई स्पीड तो आज ले जा नहीं सकते, उस पर मैं अलग रिव्यू शेयर कर दूंगा, बिकॉज सिटी कम्यूट ही कर रहे हैं, थोड़ा लॉन्ग डिस्टेंस जाएंगे तो वो भी पता लग जाएगा। IRVM ORVM दोनों का व्यू बढ़िया है, चलाने में कोई भी दिक्कत नहीं हो रही। मतलब सिटी में इतनी कॉम्पैक्ट गाड़ी है, कहीं से भी निकालो कोई भी इशू नहीं आने वाला है। और तीन वेरिएंट्स मिल जाते हैं इसमें, स्टैंडर्ड, LXi एंड VXi। ZXi वेरिएंट आपको कोई ऑप्शन नहीं है अल्टो में। स्टैंडर्ड वेरिएंट ऐसा ही कि यार वो बहुत ही बेसिक हो जाता है, मतलब उसमें जो बम्पर है ना वो आपको बॉडी कलर्ड नहीं मिलते हैं, ब्लैक बम्पर मतलब वो एक अलग ही। बट जैसा कि ये ग्रेनाइट ग्रे कलर में ली हुई है, तो अगर आप फ्रंट प्रोफाइल देखोगे ग्रेनाइट ग्रे कलर की LXi वेरिएंट की, तो कोई जस्टिस नहीं कर पाएगा कि ये टॉप वेरिएंट है कि मिड वेरिएंट। सारे फीचर्स मिल जाते हैं, म्यूजिक सिस्टम हमने फिट करा लिया है, स्टेयरिंग कवर लगा है, सीट कवर लगे हैं, तो ऐसी कोई भी दिक्कत देखने को नहीं मिलती है। फ्यूल टैंक कैपेसिटी 35 लीटर्स की है, मतलब अगर आप 20 का भी माइलेज पकड़ के चलो तो 600 से 700 किलोमीटर की ड्राइव आप इजीली एक बार में करके आ सकते हो। एंड मैंने यार मतलब अभी तक अल्टो पर एक डिटेल रिव्यू कभी कवर नहीं करा था, तो मैंने सोचा बना ली जाए, बेस्ट सेलिंग कार है, बजट कार है, तो इस पर क्यों ना बना लिया जाए। और मैं जो सोच रहा था वही कलर में मेरे फ्रेंड श्रेयस ने परचेज करी, ग्रेनाइट ग्रे कलर, तो बहुत ही बढ़िया कलर लगता है मुझे ये, बिकॉज बाकी जो व्हाइट कलर और वो सब बहुत ही बेसिक है। ग्रेनाइट ग्रे थोड़ा आई कैची कलर है, एंड ग्रिल वगैरह उसमें मर्ज दिखती है, तो वो मुझे काफ़ी बढ़िया चीज़ लगी। एंड बजट का मैं तो ये वेरिएंट लो, धीरे धीरे सारी चीज़ें करवाते जाओ, जैसे कि ऑफ रोडिंग का बता दिया, ऑफ रोडिंग में तो कोई भी दिक्कत नहीं आ रही, जो नॉर्मल बम्स, ऑफ रोडिंग तो कोई करने जाता नहीं है, बट जो भी जैसे कि अभी हम इंडस्ट्रियल एरिया में थे तो वहाँ के जो भी पैचेस थे उस पर कोई भी दिक्कत नहीं आई हमें चलाने में। हैंडलिंग की बात करें तो आप देख सकते हो गाड़ी वॉबलिंग का कोई भी इशू नहीं आएगा, स्टेबिलिटी बहुत ही बढ़िया रहने वाली है। 80-100 कोई भी दिक्कत नहीं होगी, 120 तक तो फिर मतलब ऐसे तो ले जाने में तो 120-130 जाएगी, कोई भी इशू नहीं है, बट 80-100 पे मतलब गाड़ी कंट्रोल में रहेगी। इनिशियल पिकअप की बात करें तो गाड़ी जगह से उठती है, अगर आप देखोगे एकदम जल्दी से पावर जनरेट कर लेती है। एंड CNG में भी हल्का बहुत, जैसा कि मैंने अभी थोड़े टाइम पहले वैगनआर 1 लीटर के CNG वेरिएंट पर मैंने ड्राइव रिव्यू शेयर करा था, वो वीडियो किसी ने नहीं देखी है तो लिंक आपको आई बटन पर मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी। तो वैगनआर भी किसी को लेनी हो, थोड़ा बजट बढ़ाने का सोच रहा है, बिकॉज वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, तो थोड़ा बजट बढ़ाने का सोच रहा है, तो आप वो ऑप्शन भी एक बार देख सकते हो। ओवरऑल मैं एक ही चीज़ कंक्लूजन में कहना चाहूँगा कि कम बजट है तो आग बन करके अल्टो के लिए जाओ, बिकॉज बहुत सी ऐसी कंपनियाँ हैं, रेनॉल्ट वीड है, डेटसन रेडिगो है, ये ऐसी कंपनियाँ हैं जो आपको कम बजट में गाड़ी दे देगी, बट यार उसका ना कोई आपको अच्छा सर्विस रिस्पॉन्स मिलने वाला है, देन ना ही रीसेलिंग मिलने वाली है, और जो प्रोडक्ट इंजन इन सब के बारे में मैं कोई श्योरली नहीं कह सकता हूँ। सबसे ज्यादा गाड़ी देखोगे बजट में तो अल्टो, मतलब अगर आप यहाँ भी देखोगे तो हर 10 गाड़ी में मारुति दिखना ही है। LXi वेरिएंट में फ्रंट टू डोर पावर विंडो कंट्रोल्स मिल जाती है, रियर में आपको बेसिक ही अप डाउन करना पड़ेगी। कुछ भी पॉइंट में मिस कर रहा हूँ तो मुझे बता देना, बिकॉज मैं जल्दी में अभी रिव्यू आपके साथ शेयर करा है, बाकी थोड़े टाइम बाद इस पर डिटेल रिव्यू लेकर आ जाऊंगा मैं आपके लिए। ऑल राइट गाइज, ये थी आज की वीडियो, आई होप आपको वीडियो में मजा आया होगा।
कुछ भी डाउट हो तो भेजिए, कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। इन चैनल पर कोई भी नया हो तो रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, उसी के पास आपको बेल आइकन मिल जाएगा उसको प्रेस कर लेना, जिससे आपको मेरे लेटेस्ट वीडियोज़ के अपडेट मिलते रहेंगे।